नमस्कार, स्वागत है आप सभी दर्शकों का जन जागृत चैनल पर। आपका अपना न्यूज चैनल सच के साथ। खबर भारत गंज प्रयागराज की। पत्रकार इस्लाम अंसारी द्वारा की गई रिपोर्ट में जामे मस्जिद की टक्कर से युवक की मौत, एक घायल। जानकारी के अनुसार क्षेत्र की ऊंचड्डी में मस्जिद की जोरदार टक्कर से बाइक सवार दो लोग बुरी तरह घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों घायलों को इलाज हेतु अस्पताल भेजा, लेकिन रास्ते में ही एक युवक ने दम तोड़ दिया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु शहर भेज दिया है। अब खबर विस्तार पूर्वक। मांडा थाना क्षेत्र के भारतगंज निवासी मुस्ताक अहमद 47 वर्ष के लगभग उर्फ कोलई खानसामा यानी कारीगर था। वह सोमवार को अपने एक अन्य सहयोगी को लेकर मेजा के सोनाई गाँव जा रहा था। इस दौरान मेजा थाना क्षेत्र की ऊंचडीह बस स्टॉप चौराहे पर तेज रफ्तार में जा रही पिकअप ने जोरदार टक्कर मार दिया। इससे बाइक सवार दोनों युवकों को बुरी तरह चोटें आई। स्थानीय लोगों ने पुलिस को घटना की जानकारी दिया। वहीं सूचना पर मेजा कोतवाल तुषार दत्त त्यागी दल बल सहित घटना स्थल पहुँचे। पुलिस ने दोनों घायलों को इलाज हेतु अस्पताल भेजा, लेकिन रास्ते में मुस्ताक यानी गोलई ने दम तोड़ दिया, जबकि दूसरे घायल का अस्पताल में इलाज चल रहा है। वहीं पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु शहर भेज दिया। उक्त घटना को लेकर मृतक के स्वजनों में कोहराम मच गया है। मामला हादसा हुआ है, किस वजह से हादसा हो गया इसके बारे में बताएं। खाना बनाते थे, शादी ब्याह। नाम इनका मुस्ताक अहमद था। मुस्ताक अहमद, हाँ, लेकिन गोलाई के नाम से ये मशहूर। मुस्ताक अहमद इनके अब्बा का नाम? इनके अब्बा का नाम हनी है। वो नहीं खनी अच्छा, कौन कौन है इनके घर में? इनके घर में इनके इनका अम्मा है, इनकी अम्मी है। और भाई लोग? भाई है। भाई कितने? पांच भाई। पांच भाई सब अलग अलग हैं। तो इनकी शादी हुई थी? बेटी शादी हुई है, बच्चों शादी नहीं है, अभी सब घुस गए हैं। बहुत ज्यादा नहीं, पढ़ते तो ये कैसे हुआ है? जा रहे थे वहाँ खाना बनाने के लिए। कहाँ? ऊंचडी के पास कहीं है। कुड़ियार कहीं पूरी तरीके से भी जानकारी नहीं। दो लोग? तीन लोग थे। दो लोग थे। तो ये थे या कौन था? इनके लड़के थे या कोई और था? क्लियर नहीं। अच्छा, नहीं सुनने में आया कोई लड़का था जो कि हिराई के नाम लिया जा रहा था, उनका लड़का था? अभी पूरी तरीके से हमें जानकारी नहीं है। दो लोग थे, एक ये थे और एक कोई और था जो चला रहा था। ये बैठे थे? हाँ, ये तो एक्सीडेंट कहीं से लोग सुने? मैजिक गाड़ी से। ये तकरीबन आज सुबह हुआ है क्या? हाँ, ये लगभग 10:30 बजे सुबह 10:30 बजे जाने समय ही हो गया। हाँ, जाने पहुँच भी नहीं पाए थे? नहीं। ये खबर आप लोगों को किसी मौके पर आती है? फोन आया लगभग 11:30-12 बजे अस्पताल से। 10:30-11 बजे तक फोन आया है। नहीं, वहीं उनके एक बच्चे था, दूसरी मोटरसाइकिल पर था। अच्छा, तो फिर दो मोटरसाइकिल थे इसमें, दूसरा मोटरसाइकिल वाले ने फोन किया बताया? तो अभी गाड़ी आ गई है? अभी गाड़ी नहीं है, पोस्टमार्टम है। वहीं से लेकर जा रहे थे इलाहाबाद, रास्ते में तो अस्पताल पहुँचे थे। कौन से गांव में घटना हुई? ऊंचडी के पास के बीच में ही है। क्लियर नहीं है हमें। ये रहने वाले प्रॉपर आपके? बस यही मोहल्ले में, कदम रसूल मोहल्ले वार्ड नंबर 4 भारतगंज इस्लामिया स्कूल के सामने। इस चैनल पर दिखाए जाने वाले सभी न्यूज से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।